शुरू से आप यहीं पढ़े बड़े इसी मकान में? हाँ, मैं शुरू से यहीं पर रहा हूँ, मैं 30 साल हो गए यहाँ रह गए। अच्छा, यहीं प्रैक्टिस की। पापा वगैरह, मम्मी? हाँ, पापा सब, भाई बहन यहीं पर। तो आपने कोचिंग वगैरह अपनी क्रिकेट जो करियर है सब यहीं से शुरू किया? हाँ, अलीगढ़ से स्टार्ट की थी। अच्छा, तो पहले मतलब आप क्या स्कूल लेवल पे शुरू किया? हाँ, सबसे पहले स्कूल लेवल पे खेला था, मैं इंटर स्कूल खेला था सबसे पहला मैं। अच्छा, वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। हाउस ऑफ वीके सिंह इन अलीगढ़। तो ये मतलब ये शुरू से इसी घर में आप रहे और यहीं आपने कोचिंग की? और पापा अभी क्या करते हैं? हॉकर हैं यहाँ पर। अच्छा, उनका शुरू से यही काम है? अभी भी करते हैं? हाँ, अभी भी करते हैं। अच्छा, और आप कितने ब्रदर्स वगैरह? 5 भाई 1 बहन। अच्छा, तो ये आपका पहला IPL है या पहले भी आप रहे हैं इसके साथ? पंजाब में पहले पंजाब में थे लास्ट ईयर। तो फर्स्ट आपका किस साल से शुरू हुआ IPL में? लास्ट ईयर था ना IPL में, मैं पंजाब में। अच्छा, लास्ट ईयर से शुरू किया आपने। तो आप पंजाब में सेलेक्ट हुए, पंजाब में। इस बार फिर आपको KKR ने लिया? लास्ट ईयर खेला नहीं था, इस बार खेला। अच्छा अच्छा, चलिए मुबारक हो आपको और आपके आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहे। तो अभी तो आप रणजी वगैरह में खेलेंगे? हाँ, अक्टूबर में। अच्छा, उसकी तैयारी करूँगा। तो रणजी तो पूरा मतलब कहाँ कहाँ पर खेलेंगे मैचेस? लिस्ट भी है ये कहाँ कहाँ पर मैच है। अच्छा, पर आपके रणजी जो टीम में हैं आप किस टीम से हैं? यूपी हैं, उत्तर प्रदेश। यूपी से ना। अच्छा, आपका बेटा काफ़ी ऊँचाई पर पहुँच गए हैं और मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा IPL में करा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि आगे के लिए अच्छा करें, IPL टीम के लिए का, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लिए। तो उन्होंने किस उम्र में शुरू किया क्रिकेट खेलना? ये बचपन से शुरू करा था इसमें आकर। अच्छा, आप इनको आपने काफ़ी इनको मोटिवेट किया खेलने के लिए या इनके खुद ही मन में था कि मैं? नहीं, इसके खुद ही मन में था खेलने का। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ क्या अगले समय में ये इंडिया के लिए खेले है का है। तो आपका बेटा इतनी बड़ी टीम में सिलेक्ट हुए हैं और खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है। तो बाकी बच्चे भी क्रिकेट में हैं? हाँ, सब खेल रहे हैं। तो यहाँ तो काफ़ी लोग पहचान गए होंगे? हाँ, सब बहुत लोग आते होंगे मिलने के लिए। बहुत लोग आते हैं। अच्छा, तो आप शुरू से ही सही यहीं रहे? हाँ, शुरू से ही रहे। अच्छा, शुरुआत से। तो इन्होंने यहाँ पढ़ाई वगैरह जो वो भी यहीं पर करी? हाँ, यहीं से करी। और ये जो क्रिकेट ग्राउंड है इसी में प्रैक्टिस करते थे? हाँ। आप भी चाहेंगी कि यदि आपका बेटा इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाए? हाँ, मैं चाह रही हूँ आगे की तरह। मेरा नाम मसूद जफर अमीनी है, मैं रिंकू सिंह का कोच, नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, लेफ्टी है। एक्चुअली मैं एक टूर्नामेंट में इंटर स्कूल चल रहा था, तो ये एक स्कूल की तरफ से खेलने आए थे, मैं उस टूर्नामेंट में अंपायरिंग कर रहा था, तो मैंने देखा को खेलते हुए अपने स्कूल की तरफ से, तो इसने तीनों मैच में 50 रन बनाए थे, तीन मैच खेला था, तीनों में 50 रन बनाए थे। तो मुझे लगा कि ये लंबा रेस का घोड़ा है, तो मैंने कहा कि आप मेरे पास कोचिंग लेने आओ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर अहमद, NIS क्रिकेट कोच। मैं रिंकू को 8-9 साल से जाता हूँ, 7-8 साल से। जो सामने अभी आपने स्टेडियम का फोटो लिया था, यहाँ एक मैच चल रहा था स्टेडियम में रिंकू का, जिसमें मैं भी खेल रहा था। तो रिंकू ने एक अच्छी इनिंग खेली थी 70-80 रन की, तो मुझे इसकी बैटिंग बहुत ही पसंद आई थी इस टाइम। और रिंकू से मैंने एक ही बात बोली थी कि रिंकू, कि तुम इतने अच्छे प्लेयर हो, तुम आगे जा सकते हो और अपने घर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही कर सकते हो। सिर्फ एक तुम ऐसे ही लड़के हो जो अपने घर को आगे लेके जा सकते हो अपने गेम के रिगार्डिंग, अपने क्रिकेट से। तो
तो रिंकू ने बेस्ट आज तो प्रूफ कर दिया कि अपने आप को कि मैंने जो बात हुई थी वो बात सही हो गई। कोई बात इनके बारे में आप कहना चाहें? हाँ, पहले आपको लगी हो रिंकू में सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। जैसे एक्स वाई जेड मैं हूँ, उसके साथ बैठा हुआ चेयर पे, मसूद भाई बैठे हुए हैं चेयर पे, रिंकू बैठा, आप बैठे हैं। सपोज़ करो आपका कोई दोस्त आया था जिसको हम कोई भी नहीं जानते, लेकिन रिंकू सिंह जो है ना उसके लिए वो चेयर छोड़ देगा। इसमें इतना बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है, इतना रिगार्ड करता है सबका कि अपने बड़ों से, बड़ों का कि वो उसके लिए चेयर छोड़ सकता है आराम से। वैसे आई पी एल प्लेयर में ऐसा नज़र नहीं आता किसी में भी, इसमें ये नज़र आता है, इसकी अच्छी चीज़ है ये सब करेगा।